पाइप ए बी तथा सी किसी टंकी को भरने में क्रमशः 20, 30, 60 घंटे लेते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइप की कोई भी सवाल आप मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान से समझिएगा, देखिए ए जो है किसी टंकी को भरने में कितना टाइम ले रहा है, 20 घंटे का, और बी जो है किसी टंकी को भरने में 30 घंटे का, और सी जो है किसी टंकी को भरने में 60 घंटे का समय ले रहा है। दोस्तों ये तीनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तीनों का एलसीएम होता है 60। दोस्तों ये जो 60 निकला है टोटल धारिता निकल गया। हम मान के चलते हैं कि टंकी का जो धारिता है, यानी कि टंकी का जो धारिता है 60 लीटर का है। तो देखिए 60 में एक बार क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे तो दो बार में, 30 से भाग देंगे तो तीन बार में, और 60 से भाग देंगे तो एक बार में। दोस्तों ए जो है एक घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, और बी जो है एक घंटे में 3 लीटर भरता है, और सी जो है एक घंटे में 1 लीटर भरता है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देखिए तीनों पाइप मिलकर एक घंटे में कितना लीटर भर रहा है, 3 और 2 5 और 6 लीटर भर रहा है, और टोटल धारिता कितना है, 60 लीटर का है। तो 60 में क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे तो 10 बार में, यानी कि 10 घंटा आपका राइट आंसर है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, दोस्तों 10 घंटा लगेगा। देखिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।